हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज चाइनीज पकौड़ा। आज हम ये पकौड़े बनाना सीखेंगे। ये इतने टेस्टी होते हैं कि चाय के साथ अगर आप खाएंगे तो अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आइए देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ सब्जियाँ, तो सब्जियाँ अपनी पसंद की ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ लिया है 1 कप के करीब बिल्कुल महीन कटा हुआ पत्ता गोभी। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप के करीब किसी हुई गाजर, 1/2 कप के करीब हमने महीन कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 1/2 कप हमें चाहिए हरा प्याज, आप इसकी जगह नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियां हमने ली हैं जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ग्रेट करके लिया है, 3 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए मैदा, 2 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर, 1/2 चम्मच के करीब हमें चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च, सेजवान सॉस हमने ली है 2 चम्मच के करीब, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें चाहें तो ना लें, 2 चम्मच हमें चाहिए टोमेटो केचप, 2 चम्मच के करीब हमें चाहिए ग्रीन चिली सॉस, इसके अलावा 2 चम्मच के करीब हमें चाहिए सोया सॉस। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने मिक्स वेज पकौड़ा बनाना। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हमने देखिए बड़ा सा बोल लिया है, इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें पत्ता गोभी, इसके बाद इसमें जाएगी गाजर, इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। तो आपके पास जो भी अपनी पसंद की सब्जियां हो आप वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, अब इसके बाद जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर, इन दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब ये देखिए थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ, साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। इसके बाद हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ केचप यानी कि टोमेटो सॉस, अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च की चटनी यानी कि शेजवान सॉस, ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डालें। तो ये देखिए अब मैंने डाल दिया सोया सॉस और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हम हाथों से मिक्स करेंगे, चाहे तो किसी फोर्क की या फिर स्पैचुला की हेल्प भी ले सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें काफ़ी सारी सॉसेस का यूज़ किया है, इससे जो पकौड़े हैं और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। साथ ही इसमें जो मॉइस्चर है जो हमें डो बनाने के लिए चाहिए, इसका आटा लगाने के लिए चाहिए, वो भी इसको मिल गया है, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। इससे आपको एडिशनली कोई भी वाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाथों से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, आप देखेंगे कि ये आपस में बाइंड होने लगेगा और आराम से इसकी बॉल्स बन जाएंगी, जो आपको इसके पकौड़े बनाने के लिए बॉल्स चाहिए या फिर लड्डू बनाने के लिए चाहिए, इसके बॉल्स आराम से बन जाएंगी। तो बाहर से आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर आपका किसी भी वजह से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा अगर ज़्यादा हो जाए और आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 चम्मच करके पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। तो आइए अब हम इनको बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी रेसिपीज आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। और ये देखिए मस्टर्ड ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, इसमें हम सारी बॉल्स को बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया था मैंने, उनको हम फ्राई कर लेते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में आप इनको फ्राई करें वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। तो ये देखिए मीडियम हॉट ऑयल में हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अगर आपकी आँच बहुत ज़्यादा तेज रहेगी तो ये बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए जब तक कि इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारे सिककर तैयार है, हम इनको किसी भी किचन टॉवल में या फिर किसी नैपकिन पे आप निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मिक्स वेज चाइनीज पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। आप इनको चाहे तो ऐसे ही सर्व करें और चाहे तो इसको ग्रीन चिली सॉस के साथ या फिर केचप के साथ किसी के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, मेरी गारंटी है, आप अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। आप इसको मेहमानों के आने पर सर्व करें, टी टाइम में आप इसको सर्व करें, ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप जब भी मंचूरियन बनाएं तो सेम बॉल्स आप बनाएं और इन्हीं मंचूरियन बॉल से आप ड्राई वाले मंचूरियन या फिर ग्रेवी वाला मंचूरियन दोनों बना सकते हैं। अगर आप मंचूरियन की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी रेसिपी जरूर दे दूंगी। तो आप इन मिक्स वेज पकौड़ों को इसी तरीके से बनाएं जिस तरह से मैंने बनाए हैं, एक बार आप ट्राई करें और अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी